नमस्ते, पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ, 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोतीमहल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकपत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूँ, इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप। ये जो विश्नोई की बात हो रही है, क्या विश्नोई का चुनावी फायदा होगा? आज वर्तमान जो सत्ता है, चाहे वो हम गुजरात के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें, देश के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें, महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें, उनका कोई चुनावी फायदा होगा? या फिर एक चीज जो अभी देखी गई, जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी गिरी, साख गिरी, नेताओं में डर खत्म हुआ, अब तो नेता चैलेंज कर देते हैं, यहाँ भाई ठीक है आपको आना, आइएगा हम चाय बिस्किट पिलाएंगे, आपको बिस्किट खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। उसके बाद एक नए विकल्प की जरूरत पड़ रही है क्या? एक विकल्प खड़ा किया जा रहा है क्या कि देखो ऐसे नहीं मानोगे तो हम ऐसे मना लेंगे तुमको? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, शायद हमारे अब तक के डिबेट का निचोड़ ही यही है कि एक विकल्प तैयार किया गया। देखिए, जब विपक्ष मजबूत हो गया, विपक्ष की राजनीति सवाल पूछने लगी है, डरने से मना कर दिया उसने, ईडी से, सीबीआई से, आईटी से, ये सब कुछ एक तरह से इनइफेक्टिव होता जा रहा है। तो सही बात है कि जरूर ये विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि गुजरात मॉडल जो है, गुजरात मॉडल को अगर आप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि पुलिस मशीनरी के साथ साथ इस तरह के तत्वों का भी गुजरात मॉडल में जम के उपयोग किया गया, चाहे वो अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने में या फिर अपने राजनीतिक लाभ में। मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा तत्व है जिसको अब अनौपचारिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाने में। क्योंकि पप्पू यादव, भले उन्होंने उनका इतिहास, वो कोई बहुत रिफॉर्मर नहीं है, लेकिन राजनीति में सांसद हैं अभी, और उन्होंने जैसे कहा कि ये छोटे ठग हैं, उसके बाद तुरंत रिप्लाई आती है और उससे अपने एक वोट बैंक को खुश करने का परसेप्शन बनाया जा रहा है, नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, और उनका जो वोट बैंक है वो बहुत खुश भी है, बहुत उत्साहित है, बहुत महिमा मंडित महसूस कर रहा है। तो ये एक तो ये है कि अपने नैरेटिव को मजबूत किया जा रहा है, इससे कंफ्यूज किया जा रहा है वोटर्स को, और दूसरा एक मैसेज ये भी जा रहा है कि विपक्ष के नेता, चाहे पप्पू यादव जैसा कोई मजबूत ही क्यों ना हो, जो हमसे माने नेक एंड नेक फाइट कर सकता है, उसको भी हम ठिकाने लगा सकते हैं, उसको भी हम धमकी दिलवा सकते हैं, और बाद में आप जान ही रहे हैं मॉर्निंग वॉक वाला मामला हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक पैरेलल सिस्टम खड़ा किया जा रहा है। जब सरकारी संस्थाओं से कंट्रोल नहीं किया जा सका, तो अब लोगों को ऐसे कंट्रोल किया जाएगा क्या, ये एक सवाल तो बनता ही है। अब इसका जवाब तो सरकार के पास है, मैंने बताया कि मशीनरी सारी उसके पास है, कैसे वो इतना बड़ा हो सकता है? सही बात है कि एक अगर आप क्रिमिनल को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं एक जेल से दूसरी जेल में, तो क्या ये हमारा फेलियर नहीं है? कब इंट्रोगेशन होगा उसका, कब जांच होगी, कब वो मुकदमा पकड़ा जाएगा? जब सरकार ही इस तरह का विल पावर दिखाएगी कि उसका ट्रायल नहीं होगा, तो कब उसको कन्विक्शन होगा, कैसे होगा, कैसे जजमेंट देगी जुडिशरी, कैसे काम होगा लैंड ऑर्डर का? मैंने पुलिस तो उसमें एक रोल प्ले करती है ना, वही ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही है, जो जेल जेल का प्रिजन मैनुअल पता नहीं कैसे उसको फ्रीडम मिल रहा है, क्या हो रहा है, मैंने लगातार धमकियां दिया जा रहा है, कैसे एक्सेसिबल है फोन, कैसे एक्सेसिबल है इंटरनेट, कैसे उसका स्टूडियो का सेटअप हो जाता है जब वो इंटरव्यू देता है, कितना मैंने इस आधार पर तो पूरी वहां की जो गुजरात पुलिस है और गुजरात जेल का सिस्टम है, जो डीजी होंगे उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। ये क्या चल रहा है, क्या देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? जनता को भी ये सवाल पूछना होगा। ठीक है, कौन क्या है, ये कानून का मामला है, कानून तय करेगा कि कौन किसको क्या सजा दी जानी चाहिए, लेकिन आप क्या किसी स्वतंत्र नागरिक को ऐसे धमकी पर धमकी देते रहेंगे? उसका उसके मानसिक टॉर्चर का क्या, उसकी सामाजिक स्थिति का क्या, उसकी उसके मार दिए जाने के बाद लगातार धमकी दिया जा रहा था सिद्धू मूसेवाला को, बाबा सिद्दीक को भी मिल रही थी, सलमान खान को 2018 से दिया जा रहा है, और तमाम खबरें उससे चल रही हैं। बताइए कितना कमजोर, लुंज पुंज, लचर कानून व्यवस्था है
जो कुछ कर नहीं पा रही है, तो सवाल तो बनता है केंद्र सरकार से, राज्य की सरकारों से, जहां बीजेपी है, कि क्या वो अपने नागरिकों की हत्या में शामिल है या नागरिकों की हत्या कर रही है? ये शामिल नहीं, क्या वो अपने नागरिकों की हत्या कर रही है, ये सवाल बनता है। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब क्या है? क्या मतलब है यहाँ पुलिस का? क्या मतलब है लॉ एंड ऑर्डर का? क्या मतलब है जुडिशरी का? क्या मतलब है देश होने का? तब हम अपने को खुद देश घोषित कर दें और चले जाएं जहां जाना है हमको, हम करें अपना डिप्लोमेसी? क्या मतलब है इस तरह की चीजों का? ये वो सवाल है जिनके जवाब हम सभी को ढूंढने हैं। पुलिसिंग से लेकर के और खुफिया तंत्र पर, सब पर ये सवाल है। कितना सिस्टम कितना उसके प्रति डेडिकेटेड है कि वो जब चाहता है, जिस व्यक्ति के पास चाहता है, वहां तक उसका संदेश पहुंचता है, उसका मैसेज पहुंच जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन सवाल तब उठता है कि जब उस तक ना तो पुलिस पहुंच पाती है, ना हमारा खुफिया तंत्र पहुंच पाता है। बहरहाल सवाल निश्चित तौर पर यह बड़ा है, जिसका जवाब देश की जनता को ढूंढना चाहिए। लेकिन सरकार की छवि को क्यों, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसी छवि बिल्डअप होने के बाद भी, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, सोचने समझने वाला बात है। जी जी, एक बात मैं जोड़ दूं राम प्रकाश जी, कि ये कभी जांच नहीं हो पाएगी, कि कभी ट्रायल नहीं हो पाएगा लॉरेंस बिश्नोई का, क्योंकि या तो मतलब इस बात को समझिए कि उसका राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है, और वो सरकार बदलेगी, आज नहीं कल सरकार बदलेगी, तो क्या जो आने वाली सरकार होगी थर्ड फ्रंट की, कांग्रेस की, जिसकी भी, क्या वो इसी तरह से वो छोड़ देगी? वो जांच का तो पता लगाएगी। लॉरेंस बिश्नोई बचेगा कि नहीं बचेगा, ये भी वो सवाल है। क्या सच कभी निकल कर आ पाएगा? मुझे नहीं लगता है कि कभी कोई सच निकल के आने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई का बचा रहना भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद केके राय सर और संदीप सर हमारी इस चर्चा में शामिल होने के, और हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन, आपसे एक आग्रह है, और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ, 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोतीमहल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकपत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे, और इन सब के लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूँ, इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।